कलक लग गया कि मेरा बेक है ना अगर से मुंह लपेट के रख लूं तो मूत्र में जो अंदर से आ रहा है वो अलग होगा तो डायरेक्ट पके तुम रसोई में करा लेना ना अरे मैं बता रहा हूं मुझे ये अच्छा है मेरा तो कम दस से अपन नहीं करो हमारा जमीन का ध्वज है ब्रो कवरेज रवान दे अल्ता पर फाइबर एजेंसी के मिनिमम टीम में अल्ता ले गले इन दस तो प्रेमचंद सरातुल्ला खबरी कौन प्रेमचंद दा हम मिल चुके हैं ग्राउंड तो ठीक है ना दालत ड्रोन के ब्रेक के रखना तो दम उदय सोचा जी जी सब और फाइनल ओवर तक कैप्टन के रखा ले ओके ओके बॉस ओके इंशाल्लाह हां नॉट टेंशन हो चुका है हम लोगों की
फुटबॉल बहुत बड़ा मैच आपके सामने शुरू हो चुका है। रसो राम सुबह थ्रो लाइन की तरफ पेंट किया है कुछ तक रियाज का गलत पास के कारण अंदर सिक्का स्थान कमी आज दोबारा ग्राउंड में नजर आ रही है। खुर्शीद अटैकिंग पोजीशन पे पाकिस्तान इंटरनेशनल खुर्शीद बहुत मैदान में साथ के सिरका कॉर्नर किक लगाएंगे हमेशा की तरह रसौला मैजिशियन है जादूगर फुटबॉल के पूरा ओवर क्रॉस टॉस किया क्रॉस लगाया तो मौजूद नहीं थी पर आए मेरो बॉल आउट स्टार मेरा सच्ची नंबर प्लेयर कुत्ता बॉल अलग रेफ्यू बॉल क्लियर किया क्रॉस लगाया वहां पे डिफेंडर ने अच्छा कंट्रोल किया पयूष पयूष के साथ बॉल नंबर सेट में बेहतरीन गेंद पास वहां पे मुबक्कर मौजूद छह नंबर उमर दराज कुर्सीरा रजौला कॉर्नर किक लगाएंगे कॉर्नर किक लगा डिफेंडर सकती है अलका लौटू सर सोरो पर बड़ी उत्तम आचार्य हजरात दस दस होता और उसको तीन होता है तो पहले दो नंबर बनी दो साइड पर है चिकन पर बड़ी जिंदा लग रही थी तब बाउंड देर तक जरूरत था की तरफ से फ्लैग दोनों बड़े प्लेयर हैं वहीद और मीनो रियाज रियाज बेहतरीन के पास बल्कि बनाए बैंक का पास रियाज की तरफ रियाज की जावे हुसैन बेहतरीन पास बॉल अभी तक जावेद के साथ जावेद के राइट हाथ तीन नंबर की तरफ मेहूद ने बॉल को क्लियर किया रसूल कैप्टन फोर उस्मान सतारा नंबर स्टॉक में बेहतरीन पासिंग का मजारा यूनियन की तरफ से बेहतरीन बॉल बेहतरीन सेव मल्टी पास की तरफ बेहतरीन सेव सही
कौन सा रखा है पूरा है वजहल्ला कुर्सी मौजूद उस्मान गनी का बैग पास गोलकीपर की तरफ थ्रो इन ग्रीन मिरन शाह के हक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं आज के इस बड़े मुकाबले में जहां पर दो बड़ी बेहतरीन टीमें आमने सामने आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच है। बड़ा अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। हंगू यूनियन मुकाबला कर रही हैं इस वक्त चश्मा ग्रीन मिरान शाह के साथ, दोनों मजबूत टीमें हैं। डेफिनेटली एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, जो भी टीम यहां पे जीते डेफिनेटली फुटबॉल की जीत है, नेक एक्सपेक्टेशन है दोनों टीम के साथ। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएँ। आपका मेज़बान आरजे रहीम आप लोगों के साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। वीडियो को शेयर करते जाएं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस वक्त आज तमाशाई जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद है, इस मैच से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। ये खुशाइन बात है स्पेशली फ़ुटबॉल के लिए और पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक्सपेक्टेटर जो है वो डेली जो है वो यहाँ पर ग्राउंड का रुख करते हैं। इस वक्त गेम का भी आगाज़ हो गया, शुरुआत से शूट यहाँ पर बॉल गोल पोल के ऊपर चली गई है और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कि कच्चा कच भरा हुआ है तमाशाइयों से। ये खूबसूरती है कोहाट की और यही खूबसूरती है पाकिस्तान के फुटबॉल की। बहुत ही बेहतरीन गेम ऑफ फुटबॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं। यहाँ पर जितने व्यूअर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्लैब ब्रॉडकास्ट में उनसे गुजारिश है कि स्लैब ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं ताकि मजीद व्यूअर हमारे साथ जुड़ जाएं ये लाइव मनाजिर देखने के लिए। आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप इस वक्त बराह रास्त जारी है फोर्ट म्यूनसिपल फुटबॉल ग्राउंड से और यकीनन आप लोगों की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे जित साहिल दावड़ इस वक्त जो है एज़ा फील्ड रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेफरी है अमजिद, आज इस टफ मैच में उनको जो है वो मैदान में यहाँ पे उतारा है। गोल किक यहाँ पे हासिल की है अंगू यूनियन एफसी की टीम ने। काफी ज्यादा तमाशाई आज अंगू यूनियन की भी जो है वो ग्राउंड में मौजूद है और अब अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अंगू यूनियन में स्टार प्लेयर्स जावेद मीर पठान रियाज मौजूद है और नौजवान प्लेयर्स को आगे जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आज के इस मैच में। ये खुशाइन बात है अंगू यूनियन की जानिब से, साथ में चश्मा ग्रीन मीरान शाह इसमें भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद है रज़ाउल्लाह के जैसे। तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते जाएँ ताकि मजीद व्यूवर हमारे साथ जुड़ जाएँ, ये लाइव मनाजिर हमारे साथ देख सकें। मानूर वजीर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जायद वजीर ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ यासिर यारान स्पोर्ट्स हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। अब्दुल कयूम ने ज्वाइन किया, सलाम कह रहे वालेकुम सलाम। शाहिद अख्तर हमारे साथ है, शाजीब ने ज्वाइन किया है, साकिब रजा लतंबरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तमाम व्यूअर्स का यहाँ पे फ्री किक लगाएंगी चश्मा ग्रीन मिरन शाह की प्लेयर, यहाँ पे किक किया उम्दा किक हिट के जरिए से डिफेंडर ने बॉल को सेव किया, बिल्कुल स्टिल बॉल डीप बॉल के अंदर मौजूद है लेकिन डिफेंडर बिल्कुल एक्टिव खड़े हैं। समीउल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच समी फॉर ज्वाइनिंग। आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, द विनर विल बी गोज टू द सेमीफाइनल ऑफ आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप। अब्दुल रहीम अफरीदी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, वीडियो को शेयर करते जाए जितने व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लाइव मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप के। कॉर्नर किक यहाँ पे थ्रो इन हासिल किया है यहाँ पर, शाजेब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, चांस है अंगू यूनियन के पास, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर गोल कर दिया है अंगू यूनियन की टीम ने।
बहुत ही ब्रिलियंट एफर्ट यहाँ पे हंगू यूनियन की जानिब से है। लुक अगेन इन एक्शन रिप्लाई ऑफ दिस ब्यूटीफुल गोल ऑफ हंगू यूनियन। बहुत ही बेहतरीन रिमार्केबल गोल यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरे एंगल से अगर मैं आप लोगों को ये गोल दिखाऊं यहाँ पर, देखिए एक बार ट्राई की थी इस गोल को बचाने की, लेकिन उसके बाद दोबारा बहुत ही उम्दा अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहली कामयाबी हंगू यूनियन को यहाँ पर मिली है गोल की सूरत में। हंगू यूनियन 1 चश्मा ग्रीन मीरानशाह 0। पहला हाफ इन प्रोग्रेस है। समीउल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद दानिश, हसान खान और अगजे हमारे साथ, यासीन खान ने ज्वाइन किया है, अब्दुलरहमान और अगजे ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद कामिल ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का। मीर सलान हमारे साथ है, सलाम कह रहे हैं इस वक्त, वालेकुम सलाम तमाम व्यूअर्स का। हसन खान और अगजे हमारे साथ है, वॉचिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, हंगू को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का। वीडियो को शेयर करते जाए जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहेबजादा अजीज जानी हमारे साथ है, हमाद हमदर जानी हमारे साथ है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा यहाँ से, बिल्कुल प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग जो है बिल्कुल फुल एचडी में जा रही है। सेटिंग में जाके आप अपनी रिजोल्यूशन जो है 1080p पे कर दे तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज जो है वो आपको पहुंचेगी, लेकिन बशर्त ये है कि आपका नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आपका नेटवर्क वहां पे अच्छा होगा उतनी जबरदस्त रिजल्ट आपको जो है वो स्क्रीन पे पहुंचेगी। यहाँ से हमारी तरफ से बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, आप अपना नेटवर्क चेक करें। यहाँ पर फैज मोहम्मद अफरीदी हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। दानिश प्रिंस ने हमें ज्वाइन किया है। वीडियो के हवाले से जो है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने रिव्यू शेयर करें कि रिजल्ट किस तरह आप लोगों तक पहुंच रहा है इस मैच का। आपका मेजबान आरजे रहीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर है इस बेहतरीन मैच के साथ, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट बिटवीन टू टॉप टीम्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, चश्मा ग्रीन मीरानशाह एंड हंगू यूनियन। दोनों टीम के काफी फैंस हैं, इस वक्त ग्राउंड कचाकच भरा हुआ है तमाम तर तमाशाइयों से, और ग्राउंड के साथ साथ अगर देखा जाए तो लाइव में भी इस वक्त मोर देन 300 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मजीद में इसमें भी इजाफा हो सकता है अगर ये व्यूअर जितना हो सके वीडियो को शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ। सतार मोहम्मद ज्वाइन कर चुके हैं, तशाम आलम हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। हसीबुल्ला ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच हसी फॉर ज्वाइनिंग। आमिर अफरीदी हमारे साथ है, दानिश प्रिंस ने ज्वाइन किया है, जहीर हमारे साथ है, गुड रिजल्ट कह रहे हैं इस वक्त, थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का। यट अगेन इट्स ऑल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024, हंगू यूनियन मुकाबला कर रही है अपने चौथे क्वार्टर फाइनल मैच में चश्मा ग्रीन मीरानशाह के साथ। दोनों टीम बड़े बेहतरीन फॉर्म में आज कल के, क्योंकि दोनों टीम ऐसे ऐसे पर जो सितारे मौजूद है जो कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो खेलते हैं और उनका नाम है, और आज जो है यहाँ पर पंजाजमाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यकीनन एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा दोनों टीम की जानिब से, और ये खुशहाल बात है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे जो है यहाँ पर इस तरह के बेहतरीन इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। और बखूबी आप लोग जो है वो जानते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है और इस मिट्टी में काफी टैलेंट मौजूद है यहाँ पर, और इस टैलेंट को आगे प्रमोट करने के लिए जियाउल्लाह अफरीदी, रिहान फरहत, और इसके साथ साथ हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं मलिक हयात अफरीदी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी कोशिशों की बदौलत जो है इस वक्त आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप जो है वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मनाजिर इस वक्त आप लोग के सामने। हम जिस साहिल दावड़ इस वक्त एज ए मैन रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं आज के इस मैच में, वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है यहाँ पर। थ्रो इन यहां पे हासिल करेंगे और एक टफ मुकाबला दोनों टीम्स के दरमियान इस वक्त जारी है। येलो कार्ड द फर्स्ट वन, पहला येलो कार्ड यहां पर चश्मा ग्रीन मीरानशाह के लिए, पहला येलो कार्ड यहां पर चश्मा ग्रीन मीरानशाह के लिए इशू किया गया है अमजद साहिल दावड़ की जानिब से। द फर्स्ट येलो ऑफ द मैच, लुक अगेन इन एक्शन रिप्लाई यहां पर, ये देखे जो इससे प्रीवियस जो येलो कार्ड था दिया था यहाँ पर कलूशन हुआ था दोनों प्लेयर्स के दरमियान। ये देखे गिरे थे प्लेयर के ऊपर, दूसरे एंगल से अगर मैं ये मंजर आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये देखे पीछे आ रहे थे प्लेयर और
एक और एंगल से अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देख सके, बहुत ही हार्ड इंजरी हुई है। अब देखना होगा कि किस तरह रिकवर करेंगे फर्स्ट एड की टीम यहाँ पर। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पर काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है प्लेयर के लिए, जब वो एक बार इंजरी हो जाता है रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लगता है, और यही जो है हमें देखने को मिला है काफ़ी प्लेयर्स के साथ। जैसे अगर हम बात करें हंगो यूनियन के रियाज जो है वो काफ़ी इस तरह इंजरी का शिकार हुए थे मुसलसल। तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि जितना हो सके स्लैब ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। आज 1K फैमिली हमने कंप्लीट करनी है इस मैच में। इस साल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, द विनर विल बी गोज टू द सेमीफाइनल एंड विल बी फेस स्पार्टेक्स एफसी स्वात ऑन फ्राइडे इन द सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप। स्पार्टेक्स एफसी स्वात की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इससे प्रीवियस बंगश एफसी नसरत खेल और डीएफए बनू की टीमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है। उनका पहला सेमीफाइनल मैच जो है वो कल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच डीएफए बनू बा मुकाबला बंगश एफसी नसरत खेल के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच जो है वो स्पार्टेक्स एफसी स्वात एंड द विनर ऑफ टुडे मैच जो है वो फ्राइडे को खेलेगी। दोनों टीम के साथ नेक एक्सपेक्टेशन है फुटबॉल की जीत है, जो भी जीते यहाँ पे फुटबॉल की जीत है, हमारे केपीके के फुटबॉल की प्रमोशन की जीत है। यहाँ पर दोनों के साथ नेक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा गेम ऑफ फुटबॉल हमारे देखने और यहाँ पे आए हुए तमाम तमाशाइयों को जो है वो मिले। अब भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा तादाद में जो है वो तमाशाई इस वक्त ग्राउंड में आ रहे हैं इस मैच से लुत्फानंदोज़ होने के लिए, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं और तमाशाइयों को भी पता है कि जब ग्राउंड में दो बेहतरीन टीमें जो है वो आमने सामने हो तो मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिलता है। हमारे लेफ्ट और राइट जानब दोनों डगआउट अगर देखा जाए तो इस वक्त बिल्कुल तमाशाइयों से कचाकच भरे हुए हैं। ये खुशाइन बात है स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए कि टूर्नामेंट के हर मैच में जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में तमाशाइयों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और उसमें जो है वो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तो ये खुशाइन बात है। तमाम तर यहाँ पर एक बार फिर अटैक था ज़रूर चश्मा ग्रीन मीना झा के ऊपर, लेकिन गोलकीपर फॉरवर्ड आए हैं, इस बॉल को बड़े उम्दा तरीके से रिकवर किया है। यहाँ पर एक गोल से इस मैच में आगे बढ़ रही है हंगो यूनियन एफसी की टीम। यहाँ पर दोनों अच्छी टीमें हैं, बेहतरीन प्लेयर्स दोनों टीम्स में मौजूद है, और जब दो प्रॉपर बैलेंस टीमें आमने सामने हों तो डेफिनेटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो है वो तमाम देखने और सुनने वालों को जो है वो मिलता है, और वही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे दोनों टीम से, क्योंकि जितने ज़्यादा तादाद में आज तमाशाई ग्राउंड में मौजूद है यहाँ पर, इससे बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फुटबॉल लवर्स है पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पर और फुटबॉल को जो है पसंद करते हैं। बहुत ही उम्दा गेम ऑफ फुटबॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है दोनों टीम की जानिब से। वीडियो को शेयर करते जाए जितने व्यूवर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम तर ग्रुप्स एंड पेजेस के ऊपर, के मजीद व्यूवर हमारे साथ जो है वो जुड़ जाएं। इफ्तिखार एहतिशाम आलम उमर खान इनसार बंगश हमारे साथ है, दिस मैच एंड विद द टफ फाउंडर मैच डेफिनेटली। हमद हसन खान और अक्जय इफ्तिखार खानी हमारे साथ है, अमजिद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर। यट अगेन हंगो यूनियन इज ऑन अटैक यहाँ पर, लेकिन गोलकीपर ने बहुत ही उम्दा रिकवरी की है, ब्रिलियंट फ्रॉम चश्मा ग्रीन मीरा शाह गोलकीपर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आज वो दे रहे हैं, और यकीनन उनकी जो परफॉर्मेंस जिस तरह आज जो है वो जारी है इसी तरह जारी रही तो डेफिनेटली मुश्किल है कि हंगो यूनियन की टीम दूसरा गोल करने में जो है वो कामयाब हो जाए। रहमतुल्ला गुंदी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। यह बिल्कुल दोनों अपनी टीमें हैं, सपोर्ट दोनों को करो, जो अच्छा परफॉर्म करें ऑन ग्राउंड हमारी सपोर्ट उसी के साथ है, जो बेहतरीन परफॉर्म करे उसी के साथ हमारी सपोर्ट है, क्योंकि दोनों हमारी अपनी टीमें हैं। यहाँ पे जीत जो है वो फुटबॉल की जीत है, केपीके की जीत है यहाँ पर, क्योंकि केपीके का फुटबॉल जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग उसको देख सकते हैं, हर एंगल से रिप्लाई जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो ये खुशाइन बात है स्पेशली हमारे फुटबॉलर के लिए कि हमारे नौजवान फुटबॉलर इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल तर्ज की तरह जो है वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, और ये सेकंड टाइम है कोहाट में। इससे प्रीवियस रमजान में जो है वो आल खैबर पख्तूनख्वा चैलेंज कप एक हुआ था जिसमें जिया अफरीदी रिहान और फरहत
ने जो है वो 2021 में वो इवेंट कराया था, उसमें ब्रॉडकास्टिंग की थी। उसके बाद ये सेकेंड टाइम है। हालांकि इवेंट्स काफ़ी होते हैं आल पाकिस्तान, लेकिन इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये स्पेशली जो है हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इस नए इनेकाद हुए काबीना को, क्योंकि ज़िया अफरीदी के अगर कोई शो की बात करें तो इससे प्रीवियस भी उन्होंने काफ़ी उनके काफ़ी खिदमत जो है वो हासिल है। यहाँ पर अटैक जो है वो स्टिल इन प्रोग्रेस है यहाँ पर चश्मा ग्रीन मीरा शाह की जानब से, लेकिन इस बार भी इस बॉल को क्लियर करने में कामयाब हो गई हैं हंगू यूनियन एफसी। ब्रिलियंट फ्रॉम देयर डिफेंडर एंड वेल परफॉर्म बाय चश्मा ग्रीन मीरान शाह, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इनके जानब से। व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल, यू आर वाचिंग लाइव फ्रॉम फोर्थ म्युनिसिपल फुटबॉल ग्राउंड कोहाट। एक बार फिर शूट यहां पे लगाई जरूर और यहां पे बॉल बार बार जो है वो बच गया है। काफी बेहतरीन शूट, कॉर्नर किक यहां पे अब हासिल की है, कॉर्नर किक हासिल किया है यहाँ पर। ये देखिए यट अगेन दूसरे एंगल से, अगर मैं आपको दिखाऊं इस एंगल से थोड़ा सा बेस्ट होगा। अब लुक अगेन, खुशकिस्मत रहे यहाँ पर एक बार फिर। चांस है, चांस है, चांस है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस बार भी बड़ा अच्छा दिफा, बड़ा बेहतरीन अटैक यहाँ पे देखने को मिला है हंगू यूनियन की जानिब से। मुसलसल अटैक्स पे अटैक्स कर रही है हंगू यूनियन की टीम, आज बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रही हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी जो है वो इन प्रोग्रेस है। अब देखना होगा कि चश्मा ग्रीन मीरा शाह की जानब से कब हमें देखने को मिलेगा। जो भी अच्छा परफॉर्म करे ऑन ग्राउंड, डेफिनेटली हम जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों हमारी अपनी टीमें हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नेल बैटिंग फिनिश हमें देखने को मिले। तमाम तर देखने और सुनने वालों को, जितने व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने ग्रुप पेज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं। बिलाल खान हमारे साथ सलाम कह रहे हैं, असमतुल्ला दावड़ ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, थैंक यू सो मच। हंगू यूनियन ने गोल किया है, आबिदुल्ला हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। हसन अहमद वेल ट्राई, जहाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छी ट्राई की थी यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, कि देखते हैं कि कौन सी टीम के सपोर्टर जो हैं आज हमारे साथ लाइव में जो है वो इस वक्त जुड़े हैं। हंगू यूनियन के कितने सपोर्टर हैं और साथ ही में चश्मा ग्रीन मीरन शाह के जो है वो कितने सपोर्टर हैं, और साथ ही साथ में अपनी टीम को यकीनन जो फैंस होते हैं जो लाइव देखते हैं वो जो है वो काफ़ी जरिया बनते हैं एक फुटबॉलर की प्रमोशन में। जब फुटबॉलर ऑन ग्राउंड जो है वो खेलता है, वो स्क्रीन पर आता है, तो तमाम तर जो है वो व्यूवर्स होते हैं वो उनको प्रमोट करने में काफ़ी अहम रोल अदा कर सकते हैं। और रोल उसको कुछ इस सिचुएशन के साथ होगा कि वो वीडियो को जितना शेयर करेंगे तो वो फुटबॉलर जो है पूरी पाकिस्तान जो है वो उस फुटबॉलर को उसके बेहतरीन जो है वो गोल्स, उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। और फिर वही फुटबॉलर कल को जाके जो है पाकिस्तान के डिफरेंट इवेंट में कोचेस का उनके ऊपर नजर होगा, कोचेस के साथ साथ सेलेक्टर्स भी जो है उनको देखेंगे, डिफरेंट टूर्नामेंट्स इवेंट्स वाले जो है उस फुटबॉलर को जो है फिर देखेंगे और इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पे फाउल किया है चश्मा ग्रीन ने और रेफरी ने कंटिन्यू करने का कहा है। रियाज इस वक्त आप लोग उसको देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, एक तवील इंजरी के बाद यहाँ पे मैदान में उतर चुके हैं रियाज, क्योंकि दो साल की मुसलसल इंजरी, नी इंजरी उनको हुई थी, उसके बाद उन्होंने रिकवरी हासिल की है और आज बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। कप्तान है हंगू यूनियन के मोहम्मद रियाज, पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फैसल खान हमारे साथ है, मीरू पठान को सपोर्ट कर, अब्दुल वाहिद ने ज्वाइन किया है, हंगू को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कामिल हमारे साथ है, हंगू को सपोर्ट कर रहे हैं। जावेद खान हमारे साथ है, रिहान अफरीदी ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच रिहान। बाबर खान हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। हमाद खान हमारे साथ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त मैच, थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैच है और कुछ उम्मीद है कि ये मैच जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एहसानुल्लाह चश्मा ग्रीन मीरा शाह इंशाल्लाह विन करेगा, जो भी अच्छा परफॉर्म करे हमारी नेक ख्वाहिशात है, नेक एक्सपेक्टेशन है दोनों टीम के साथ। चश्मा ग्रीन मीरा शाह अटैक में नजर आते, शूट और यहाँ पे भी जो है बॉल गोल पोल के बाहर, तमाशाइयों का बराबर चुरजोश इस्तकबाल यहाँ पे चश्मा ग्रीन मीरा शाह की टीम का, ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कॉर्नर किक अब हासिल की है यहाँ पे चश्मा ग्रीन मीरान शाह की टीम ने, ये इनका तीसरा कॉर्नर है आज के इस मैच का। कॉर्नर किक लगाने के लिए तैयार, किक किया यहाँ पे, काफी हाइटेड बॉल थी, कोशिश की है कि हेड के जरिए से बॉल को
यहाँ पे गोल पोल के अंदर पहुंचा दे। एक और अपॉर्चुनिटी है चश्मा ग्रीन मेरा चेक के साथ, चांस 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 चांस, लेकिन यहाँ पे बिरियास ने बहुत ही उम्दा टैकल किया है और बॉल को जो है वो सेव करने में कामयाब हो गए हैं। ब्रिलियंट फ्रॉम रियाज यट अगेन। मीरू पठान के पास इस वक्त बॉल है, जवेद को यहाँ पे पास दिया है। 21 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही उम्दा तरीके से जो है बॉल को लेके जा रहे हैं। जवाबी हमला है और यहाँ पे एक बार फिर फाउल किया है चश्मा ग्रीन मेरा चाह के टीम ने। और अमजद साहिल दावड इज हेयर और बहुत ही प्रोफेशनल रेफरी है अमजद साहिल दावड। और ये खुशान बात है स्पेशली कुहाट के लिए, कुहाट की रेफरी पैनल जो है वो काफी स्ट्रांग है। आजकल हम देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो कुहाट रेफरी पैनल जो है वो वहाँ पर डिफरेंट इवेंट में जाते हैं और एज अ रेफरीज फराइज अंजाम देते हैं। और ये सारा क्रेडिट जाता है खुर्रम शहजाद सर को कि उन्होंने जो है अपने रेफरीज के ऊपर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत कि आजकल पूरे पाकिस्तान में जो है कुहाट के रेफरीज जो है वो छाए हुए हैं और वहाँ पर जाते हैं डिफरेंट इवेंट में जो है परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर अच्छा बॉल मिला था, बहुत ही बेहतरीन अटैक्स का सिलसिला जो है वो जारी है चश्मा ग्रीन मीरान शाह की जानिब से और उम्मीद है कि जल्दी हमें एक अच्छा गोल भी देखने को मिलेगा और ये मुकाबला बराबर हो जाएगा और येट अगेन ट्विस्ट इन द गेम जो है वो वापस आ जाएगा यहाँ पर इस मैच में। रेहान अफरीदी हमारे साथ है, स्वाद सेमीफाइनल जो है वो फ्राइडे को होगा। द विनर ऑफ टुडे विल बी फेस पार्टिक्स एफसी स्वात ऑन फ्राइडे। फैसल खान हमारे साथ है, असगर अली दानिश ने ज्वाइन किया है, नूर कमाल अफरीदी हमारे साथ है चश्मा ग्रीन मीरान शाह के साथ जो है उनके सपोर्ट है। नूर कमाल अफरीदी इनका अगर हम बात करें तो दर्रा नवी ग्रुप के जो है वो ऑनर हैं और जहां भी आल पाकिस्तान इवेंट होते हैं दर्रा नवी ग्रुप उनमें पार्टिसिपेट करती है। यहां पे हार्ड लक दर्रा नवी ग्रुप इस टूर्नामेंट में जो है एक दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबले के बाद, क्योंकि हार जीत खेल का एक हिस्सा है, एक टीम ने जीतना होता है एक टीम ने जो है वो हारना होता है। और यहाँ पे दर्रा नवी ग्रुप जो है वो हार गई थी एट द एंड बंगश एफ सी नसरत खेल से, क्योंकि दो दो गोल से मुकाबला बराबर था और आखिरी मिनट में बंगश एफ सी नसरत खेल की टीम ने गोल करके वो मुकाबला जीत लिया था। तो हार्ड लक इस टूर्नामेंट में दर्रा नवे ग्रुप के लिए और नूर कमाल अफरीदी के लिए भी सलूट है कि वो हर टूर्नामेंट में जो है वो अपनी टीम को जो है यहाँ पर प्रमोट करते हैं और हर टूर्नामेंट में दर्रा नवे ग्रुप को जो है लेके जाते हैं। ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं जो कि फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, जो कि फुटबॉल प्लेयर नौजवान यूथ को आगे लेके जाते हैं यहाँ पर। ये खुशायन बात है तमाम तर हमारे केपी के लिए, स्पेशली हमारे ट्रैवल एरियाज के लिए कि हमारे नौजवानों को आगे लेके जाते हैं। सोहेल केटी के, फैसल खान एंड मलिक असद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ द टीम, डेफिनेटली दोनों टीमें अच्छी हैं और दोनों टीम के लिए नेक ख्वाहिशात है। फ्री किक लगाएंगे यहाँ पर कप्तान और देखना होगा कि फ्री किक उनका कितना जो है वो करामत साबित होगा। असगर अली दानिश हमारे साथ है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आरजे प्रोडक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में वर्किंग फ्रॉम 2015 से जो है वो हमने इस फुटबॉल के प्रमोशन के लिए हमने काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमारा जो इवेंट था 2016 में हंगू में एक इवेंट हुआ था, उसमें हमने कवरेज की थी। उसके बाद पिशावर फुटबॉल लीग सीजन 1, 2, 3 तीनों सीजन हमने कवरेज किए। यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, 14 नंबर खिलाड़ी इन करेंगे, 15 नंबर खिलाड़ी जो है वो आउट करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। और 2015 के बाद जो है आल पाकिस्तान काफी इवेंट्स हमने किए हैं, उसमें अगर हम बात करें चतराल फुटबॉल लीग के सीजन 1 सीजन 2 की कवरेज आरजे प्रोडक्शन पीके की टीम ने की है। उसके साथ साथ पिशावर प्रीमियर लीग सीजन 1 के कवरेज भी आरजे प्रोडक्शन की टीम ने की है और सीजन 2 भी जो है इंशाल्लाह नवंबर के दूसरे हफ्ते में उसका आगाज होगा और उसकी कवरेज भी जो है आरजे प्रोडक्शन की टीम जो है वो करेगी। रिसेंटली जो है बलूचिस्तान जो है ईसा खान ने भी कांटेक्ट किया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी टीम जो है वो यहाँ पर बिजी हैं और चतराल से जो है रसूल लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इस इवेंट के फौरन बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि चतराल के फुटबॉल को जो है हम आगे प्रमोट करें, इसी तरह उनको जो है वो स्क्रीन पर लेकर आएँ, क्योंकि चतराल में काफ़ी टैलेंट मौजूद हैं। तो हमारी जो है वो कोशिश है कि पाकिस्तान का फुटबॉल जहाँ पे भी हो पाकिस्तान का फुटबॉल हम प्रमोट करें अपने नौजवानों के लिए, उनको स्क्रीन पर लेकर आएँ और फिर उसको आगे लेके जाएं। फ्री किक एक बार फिर हासिल की है यहाँ पर, किक किया है उम्दा, किक यहाँ पे चांस, उम्दा चांस था लेकिन इस बार भी जो है वो नाकाम रहे। हार्ड लक फॉर चश्मा ग्रीन मीरान शाह। आज आई थिंक उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रही मैं अगर कहूँ, क्योंकि जिस तरह अपॉर्चुनिटीज आज उनको मिली है उसी तरह जो है वो चांसेस बिल्कुल बॉल जो है वो गोल बॉल के अंदर जा ही नहीं रही।
लेकिन दोनों टीम के साथ जो है वो नेक एक्सपेक्टेशन है, दोनों अपनी टीमें हैं, जो भी परफॉर्म करे एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली दे विल बी द हीरो एंड दे विल बी क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल ऑफ आवर खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024। बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस यहां पर इस वक्त आप लोग के साथ स्क्रीन के ऊपर, राल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप। वीडियो को शेयर करते जाए, जितने व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए, हमाद खान, सुहेल के टीके हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अरमान के टीके, इंतजार दावर ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, फैसल खान हमारे साथ है इस वक्त, अरमान के टीके, नाइस कमेंट्री, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग, आप लोगों की अप्रिशिएशन सपोर्ट यकीन जो है वो हर प्लेयर के लिए जो है वो जरूरी है। सलमान खान हमारे साथ है, एहसान ने हमें ज्वाइन किया है, कामिल मरवत हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान के कलर प्लेयर है, थैंक यू कामिल फॉर ज्वाइनिंग, फैसल खान हमारे साथ है, रियाज फुटबॉल किंग, डेफिनेटली रियाज पाकिस्तान के कलर प्लेयर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, उजैर चीनो ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का, वीडियो को शेयर करते जाए, जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरसाल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 चौथा क्वार्टर फाइनल मैच चश्मा ग्रीन मीरान शाह बामुकाबला चश्मा ग्रीन मीरान शाह और उसके साथ मुकाबला कर रही है हंगू यूनियन एफसी की टीम। यहां पे दोनों काफ़ी उम्दा टीमें हैं, एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जिस अंदाज से ये दोनों खेल रही हैं, हालांकि गोल ज़रूर एक स्कोर किया है हंगू यूनियन की टीम ने, लेकिन उस गोल के बाद जो कमबैक हमें चश्मा ग्रीन मीरान शाह की जानब से देखने को मिला है वो या का नाकाबले यकीन है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। और अभी तो पहला हाफ इन प्रोग्रेस है, 45 मिनट पे जो है वो हाफ मुश्तमिल है, फुल गेम है यहाँ पर। ये इस टूर्नामेंट में टोटल 72 टीमों ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हिस्सा लिया था, और फिर 72 टीमों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना ये बहुत बड़ी एजाज की बात है और ये खुशाइन बात है स्पेशली हमारे इस सरजमीन के लिए। हमारे इस फुटबॉल की प्रमोशन में जो है काफ़ी किरदार अदा कर रही हैं यहाँ पर कोहार्ट की मैनेजमेंट, कोहार्ट का नया तैनात हुआ कबीना, यकीनन हम रियली अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह जो है तारीकी आ चुकी थी कोहार्ट के फुटबॉल के ऊपर, जवाल आ चुका था कोहार्ट के फुटबॉल के ऊपर, लेकिन अब जो है उस जवाल उस तारीकी का खात्मा हो रहा है और अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कोहार्ट, और ये गोल, व्हाट अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम चश्मा ग्रीन मीरान शाह, दैट्स ए इक्वलाइजर, ब्रिलियंट रिमार्केबल परफॉर्मेंस, हिटर के जरिए से बॉल को गोल पोल के अंदर पहुंचा दिया है और यहाँ पे पहली कामयाबी हासिल की है, सो द स्कोर इज नाउ लेवल विद 1-1, वाह 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 वाह, व्हाट अ ट्विस्ट इन द गेम, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, रिमार्केबल परफॉर्मिंग, 7 नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस ब्यूटीफुल गोल ऑफ चश्मा ग्रीन मीरान शाह, शर्ट नंबर 8 प्लेयर्स, बजायर उनके शर्ट के ऊपर नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट भी मौजूद नहीं है कि मैं उनका नाम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता चलूं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गोल किया है, बहुत ही बेहतरीन, हैव अ लुक अगेन इन एक्शन रिप्लाई फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ये देखिए क्या रिमार्केबल गोल यहाँ पे देखने को मिला है चश्मा ग्रीन मीरान शाह की जानिब से, यहाँ पे फ्री किक हासिल की थी और बहुत ही उम्दा तरीके से अच्छा बॉल दिया था, और ये देखे दोबारा हिट के जरिए से बहुत ही ब्रिलियंट गोल, बहुत ही ब्रिलियंट गोल, स्ट्रेट कैमरा से अगर साइड कैमरा से अगर हम इस आप लोगों को दिखाता चले ये गोल, बहुत ही उम्दा तरीके से जो है यहाँ पर गोल किया है, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, ये देखे हिट लगाने की कोशिश की थी इससे प्रीवियस प्लेयर ने भी और इसने बहुत ही उम्दा तरीके से बॉल को गोल पोल के अंदर पहुंचा दिया, सो नाउ द स्कोर इज लेवल, द मैच जो है उसमें ट्विस्ट आ गया है, अब मुकाबला जो है अब गेम, वो कहते हैं कि पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब जो है मंजिल अभी बाकी है, हिम्मत करना होगा यहाँ पर दोनों टीम को, जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करे एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी द हीरो एंड दे विल बी फेस स्पार्टिक्स एफसी on Friday in first semi-final of Al Khaybar Pakhtunkhwa Football Challenge Cup 2024, बहुत ही ब्रिलियंट गोल यहाँ पे हमें देखने को मिला, इससे प्रीवियस जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि चश्मा ग्रीन मीरान शाह गोल के बाद जिस तरह एक्टिव हुई है, बाजार मुझे लग रहा था कि बहुत जल्द उनकी जानब से गोल देखने को मिलेगा और वही यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिला भी है, बहुत ही बेहतरीन और रिमार्केबल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, एक बार फिर फाउल किया है यहाँ पे, फ्री किक लगाएंगे यहाँ पर हंगू
यूनियन की टीम। मुकाबला जो है वो अब एक एक गोल से जो है बराबर हो गया है। द गोल स्कोरर इज मिस्टर फहीम। फहीम ने जो है वो गोल स्कोर किया है। थैंक यू सो मच उमर दावल फॉर मेंशनिंग द प्लेयर। यहाँ पे बहुत ही उम्दा गोल यहाँ पे करने में कामयाब हो गए थे फहीम। जितने भी व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को अपने ग्रुप पैज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला आगे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें बड़े बेहतरीन है। एक अच्छा मुकाबला इस वक्त ग्राउंड के अंदर अगर हम देख सके तो काफी ज्यादा तादाद में तमाशाई मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन मनाजिर इस वक्त आप लोग के सामने जो है आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2023 के, और यहाँ पर दोनों टीमें ड्रोन कैमरा की मनाजिर भी आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। बहुत ही उम्दा कवरेज यहाँ पे आरजे प्रोडक्शन एसबीएन पाकिस्तान की। क्या खूबसूरत वेन्यू है इस वक्त। ग्राउंड लेफ्ट साइड और राइट जानब जो हमारे डगआउट है वो इस वक्त कचाकच भरा हुआ है यहाँ पर तमाशाइयों से। ये खुशाइन बात है, ये खूबसूरती है स्पेशली फुटबॉल की, ये खूबसूरती है हमारे केपीके की, और ये खूबसूरती है हमारे नौजवान टैलेंट की। यहाँ पर ये लोग अमन चाहते हैं, ये लोग पीसफुल है, और ये लोग इस तरह ग्राउंड आबाद जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि इनमें टैलेंट मौजूद है और इनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अगेन ब्रिलियंट एफर्ट, एक बार फिर बहुत ही रिमार्केबल एफर्ट यहाँ पे देखने को मिली है। इस बार भी जो है कामयाब नहीं हुए, लेकिन जिस अंदाज से एफर्ट की है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट यहाँ पे देखने को मिली है। शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। हैव अ लुक अगेन इन एक्शन रिप्लाई दिस ब्यूटीफुल एफर्ट ऑफ चश्मा ग्रीन। मीरान शाह अपना दूसरा गोल कराने की कोशिश में मसरूफ थे यहाँ पे, लेकिन बड़ा अच्छा सेव किया है डिफेंडर ने, बहुत ही बेहतरीन सेव किया है यहाँ पे डिफेंडर ने। डिफेंडर को यहाँ पे क्रेडिट देंगे कि जिस अंदाज से एट द एंड ऑफ द मोमेंट पे जो है बॉल को जो है वो सेव किया है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर। इससे सेमीफाइनल के जो मैचेस होंगे वो भी जो है बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इस टूर्नामेंट के, और ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है इस वक्त। वीडियो को शेयर करते जाएं, जितने व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव देख रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, अपने ग्रुप पेज एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि मजीद व्यूवर हमारे साथ जुड़ जाएं, लाइव मनाजिर जो है वो देख सके। आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त चश्मा ग्रीन मीरान शाह मुकाबला बंगश एफसी नसरत खेल। आज अगर आप लोग देख सकते हैं तो काफी ज्यादा तादाद में तमाशाई जो है वो मौजूद है आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप। इस वक्त मलक हयात आफरीदी जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के, टाइटल स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के, उनको हम काफी अप्रिशिएट करते हैं उनकी बेहतरीन स्पॉन्सरशिप की बदौलत ये ग्राउंड जो है वो आज आबाद है। और इस ग्राउंड में सिर्फ 22 प्लेयर जो है वो नहीं खेल रहे, 22 प्लेयर के साथ साथ जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त तमाशाई भी जो है वो मौजूद है, काफी ज्यादा तादाद में तमाशाई भी जो है वो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। ग्रीन टीम दे आर रिप्रेजेंटिंग चश्मा ग्रीन मीरान शाह, एंड रेड टीम दे आर रिप्रेजेंटिंग हंगू यूनियन जो है। बहुत ही खूबसूरत किट दोनों टीम की, और यहाँ पर गोलकीपर एक बार फिर आगे आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को जो है वो सेव कर दिया है। यहाँ पर उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिली है हंगू यूनियन बामुकाबला बंग चश्मा ग्रीन मीरान शाह आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त आरजे प्रोडक्शन एसबीएन पाकिस्तान के तवासुल से आप लोग लाइव देख रहे हैं। काफी लश ग्रीन ग्राउंड है, और ये क्रेडिट जाता है जिया अफरीदी और उनके मैनेजमेंट को कि उन्होंने फुटबॉलर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड जो है वो यहाँ पर उसका निकात किया है। यहाँ पर अगर ड्रोन कैमरा से हम इस ग्राउंड पर के ऊपर एक नज़र दोहराएं तो बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड इस वक्त कोहाट के सरजमीन का ये उम्दा और रिमार्केबल जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ही दिलकश ग्राउंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्रासी ग्राउंड पर जो है वो प्लेयर के
प्लेयर को एक ख्वाहिश होती है कि वो ग्रासी ग्राउंड पे जो है वो खेले और उस पर परफॉर्म भी वो अच्छा करते हैं, काफ़ी कम देखने को मिलता है हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि अमूमन वो जो है मिट्टी के ग्राउंड्स पे जो है खेलते हैं और जब वो गिर जाते हैं, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे स्लाइड्स और डॉच करना ये जो है वो काफ़ी आम है इसमें और प्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ग्राउंड जो है वो बहुत कम ग्राउंड जो है वो इस तरह मिलते हैं जो ग्रासी हो। या पिचास था हंगू यूनियन के पास, बहुत ही अच्छा चांस था हंगू के पास गोल स्कोर करने का, स्टिल दे आर ऑन अटैक, इनका अटैक का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर डिफेंडर्स मौजूद है, शूट जरूर लगाई है लेकिन उसकी शूट पे इतनी पावर जो है मौजूद नहीं है। फोर्ट म्युनिसिपल फुटबॉल ग्राउंड कोहाट की ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप लोगों के साथ नशर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आल खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल चैलेंज कप 2024 का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इस वक्त जारी है फोर्ट म्युनिसिपल फुटबॉल ग्राउंड में। ये देखिए ग्राउंड में तमाशाई आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में तमाशाई जो है वो मौजूद है आज इस मैच से लुत्फानंदोज़ हो रहा है। शूट यहाँ पे लगाने की कोशिश ज़रूर की है लेकिन कामयाब नहीं हुए। 4 मिनट का गेम रह गया है इस पहले हाफ में, एक एक गोल से मुकाबला जो है वो दोनों टीम का बराबर है। अभी तक दोनों टीम ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, जोर तोड़ के कोशिश की है कि इस मैच में कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन अभी तक कामयाबी जो है वो सिर्फ एक एक मिली है। बराबरी की सूरत में दोनों टीमें जारी है, 50-50 सिचुएशन है यहाँ पे दोनों टीम्स की, लेकिन स्टिल मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप लोगों को आगे जाना है, अभी आप लोगों को जो है वो दूसरा हाफ जो है उसमें भी गेम खेलना है, क्योंकि 45 मिनट पे जो है हाफ मुश्तमिल है, 45 मिनट पे एक एक हाफ मुश्तमिल है यहाँ पर। और यहाँ पे पहला हाफ जो है वो कंप्लीट हो गया है, पहले हाफ के अख्तिताम पर यहाँ पर एक एक गोल से मुकाबला बराबर है, एक एक गोल स्कोर किया है दोनों टीम्स ने। तो वी विल बी बैक विद द सेकंड हाफ, यहाँ पे हाईलाइट्स आपके साथ इस पहले हाफ के जो है वो शेयर करेंगे। 42 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पे पहला हाफ जो है वो ख़त्म हो गया, 43 मिनट के बाद आई थिंक पहला हाफ जो है वो ख़त्म हो गया। तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दूसरे हाफ के साथ, अपने मेज़बान आरजे रहीम और पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बस मेरा सड़िया
Gracias.
सर्वदलीयान शाह, दोनों टीमें ग्राउंड में तशरीफ लाए जल्द अज जल्द। सर्वदलीयान शाह जिया अफरीदी, जावेद अफरीदी, उनको खराज तहसील पेश की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। चेयरमैन वहाँ बुखारी, जनरल सचिव हाफिज महमूद, तंजीर शाह, छोटे से ट्रॉफी पेश किए जा रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों का। ग्रीन फुटबॉल क्लब मीरान शाह, फोटोग्राफी हो रही है महमूद खान और मोहसिन हजरात से। बात करते हुए शुक्रिया आप सबका, आप दोस्तों का। ग्रीन फुटबॉल क्लब मीरान शाह रजौला ग्राउंड पर मैच का दूसरा भाग शुरू हो रहा है।